हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देता हूँ, मैंने मेरी जो पिछली वीडियो है, प्रीवियस जो वीडियो है, उसमें मैंने मैट्रिसेस के टाइप भी बताए हैं और डिटर्मिनेंट क्या होता है वो भी बताया है। ठीक है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर जाके। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर बात करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है स्टेट द ऑर्डर एंड द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, हमें क्वेश्चंस दिए रहेंगे और एक मैट्रिसेस दी रहेगी, फिर हमें उसे बताना है उसका ऑर्डर क्या है और उसका टाइप्स क्या है। तो वही चलिए बताते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन है 1, 2, 3, -2, 5, 0, ये हमारा एक मैट्रिसेस है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर बताने के लिए इसमें हमसे पहले क्या करना है, हमें रो फाइंड आउट करना है और कॉलम देखना है, कितने कॉलम है, कितने रो है। तो इसमें देखिए, ये एक रो है, फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। ठीक है, इसमें मैंने कितना रो है, दो रो है, और कॉलम देखिए, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो मेरे पास दो रो हो गए और तीन कॉलम हो गए। ठीक है, तो मैं ऑर्डर क्या लिखूँगा इसका, 2 × 3, क्योंकि 2 क्या है मेरा, रो है, और 3 क्या है मेरा, कॉलन है। ठीक है, तो 2 × 3 ये मैट्रिक्स हो गया। और ये कौन सा, मतलब किस टाइप का मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर का है, रेक्टेंगुलर का है। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या किया मैंने, सबसे पहले रो देखा कितना रो है, तो मैंने देखा दो रो है, इसमें एक रो है ये वाला और एक रो है ऊपर वाला, तो मैंने दो रो लिख दिए। फिर मल्टीप्लाई बाय, मैंने देखा कॉलन कितने इसके, तो देखा पहला एक कॉलम है, फिर दूसरा कॉलम है, फिर तीसरा कॉलम है, तो मैंने तीन कॉलम लिख दिया। और हमेशा आप और जब भी ऑर्डर लिखते हो मैट्रिसेस का, तो सबसे पहले आपको रो लिखना है, उसके बाद कॉलम लिखना है। तो सिमिलरली सबसे पहले आप रो लिखोगे कितने रो हैं, फिर आप कॉलम लिखोगे कि कितने कॉलम हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1 है -3 है 4 है 9 है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप कितने रो है इसमें, ये एक रो हो गया, ये दो रो हो गया, ये तीन रो हो गया, ये चार रो हो गया। देखिए फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो। ठीक है, फोर्थ रो है, तो मैं सबसे पहले हम रो लिखते, तो मैंने 4 लिख दिया। उसके बाद देखेंगे कि इसमें कॉलम कितने हैं। हमने भाई देख लिया भाई 4 रो है, पर कॉलम तो कितना है, एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम में सारे आ गए, तो मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 4 × 1 मेरा ये मैट्रिक्स है। फिर देखेंगे कौन से टाइप का मैट्रिक्स है, तो मेरा कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है, ओनली 1 कॉलम है, तो इसे हम बोलेंगे कॉलम टाइप का हमारा मैट्रिक्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते किस टाइप का। देखिए इसमें हमें ऑर्डर बताएंगे, तो 1 0 0 1। ठीक है, तो इसमें पहले रो देखेंगे, तो ये पहला रो है मेरा, ये दूसरा रो है मेरा। ठीक है, तो मेरे पास दो रो है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा। उसके बाद मैं देखूँगा कॉलम कितने इसके अंदर, तो ये 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम है, तो मेरे को पता है 2 रो 2 कॉलम, तो मैं 2 × 2 लिख दिया। उसके बाद बताएंगे ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो अभी तक अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, तो मैंने इसमें बताया है, अगर डायगनल मतलब ये वाले, अगर डायगनल एलिमेंट्स आपके 1 1 आते हैं, मतलब 1 1 आते हैं, तो आपकी जो मैट्रिक्स रहेगी कौन सी मैट्रिक्स रहेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगी। तो इसके डायगनल एलिमेंट्स क्या है, 1 1 है, तो आपकी जो मैट्रिक्स रहेगी कौन सी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगी, और इसे हम बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये सब सारे कॉन्सेप्ट मैंने मेरी जो प्रीवियस वीडियो उसमें मैंने सब क्लियर किया है, तो आप वो देख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 1 2 2 3। ठीक है, तो इसमें कितने रो है, 1 रो, ये सेकंड रो, तो 2 लिख दिया। उसके बाद में कॉलन देखें, 1 कॉलन 2 कॉलम, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दिया, तो ये मेरा 2 × 2 का मैट्रिक्स है। फिर बताएंगे कौन सी टाइप का मैट्रिक्स है। तो इसमें देखिए डायगनल तो सेम नहीं है, 1 है 3 है, तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है नहीं, ना ही डायगनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं 0 0 0 0 0 0, ऑल एलिमेंट्स आर 0। पहले रो देखेंगे कितने रो है, एक रो है, ये दो रो है, तो मैं 2 लिख दूंगा चुपचाप। फिर देखेंगे कॉलन कितने है, 1 कॉलन है 2 कॉलन है 3 कॉलन है, तो मैं 3 लिख दूंगा, तो ये मेरा 2 × 3 ऑर्डर है। फिर देखेंगे कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया भाई, सब 0 एलिमेंट आते हैं आपकी मैट्रिक्स के अंदर, तो आपकी कौन सी मैट्रिक्स रखती है, या तो 0 मैट्रिक्स रहेगी या नल मैट्रिक्स रहेगी। सारे अगर आपके मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट 0 आ जाते हैं, तो आप उसे नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इस क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा। देखिए यहाँ पर बताएंगे, सबसे पहले एक रो बन गया, ये दूसरा रो बन गया, ये तीसरा रो बन गया, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3 मल्टीप्लाई।
फिर देखेंगे कॉलन कितना है, 1 कॉलन है, 2 कॉलन है, 3 कॉलन है, रो और कॉलम कितने हैं, सेम सेम है, 3-3 है। अब बताएंगे कौन से टाइप का है, ठीक है। तो इसमें देखिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखोगे तो इसमें देखिए नीचे की तरफ 3-0 है, 3-0 है, तो आपके दिमाग में आओगे हाँ या तो ये अपर ट्राइंगुलर होगा या फिर लोअर ट्राइंगुलर होगा। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ एक ट्राइंगल बना देते, सारे नंबर्स को, 0 को छोड़ के सारे नंबर्स को मैंने ट्राइंगल बना दिया। तो जो ट्राइंगल बन रहा है नंबर्स का, किधर बन रहा है, ऊपर की साइड बन रहा है ना, तो मेरा कौन सा ट्राइंगल रहेगा, अपर ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और इसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, थैंक यू।